दिन मैंने अपने दोस्त एक कंट्रीब्यूशन फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर आप भरते हो तो आप यहाँ पे बिजनेस को सबसे पहला ज्वाइन करने का प्रोसेस है कि ये फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान के वर्ल्ड की जानी साइन मारा, और साइन मारने का दोस्त था, मैं दोस्त के पास गया, दोस्त को बोला बोला भाई देख चीज मुझे चाहिए थी वो आज मुझे मिल गई है, और अगर तू भी चाहे तो तू मेरे साथ आ सकता है, और हम दोनों का विचार एक है, हम दोनों का दिमाग एक है, अगर हम दोनों यहाँ पे आते हैं तो जिंदगी हम दोनों की बदल सकती है, और मेरे हिसाब से तुझे आना चाहिए। उसने बोला क्या बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सीधा साधा मेरे को बता। मैं बोला कुछ नहीं करना, एक कंपनी है जिसका नाम पता नहीं क्या है, वो मैं तो बताऊंगा, लेकिन उसमें दो लोग ज्वाइन करानी है और उसके नीचे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे करना है, और फिर ऐसे ऐसे करते करोड़पति बन जाएंगे। पूरी कहानी सुनने के बाद मैं ये कह रहा हूं ऐसे कर रहा था वो, और मेरे को बोला बोला जिस तू कंपनी की विकास बात कर रहा है, इस कंपनी को मेरे चाचा जी के लड़के ने ज्वाइन किया था, और जहां की यह कंपनी है वहां का ही मैं रहने वाला हूं, और नहीं मानता है तो मैं, तू मेरा सच्चा दोस्त है, मैं नहीं चाहूंगा तेरा नुकसान हो, चाहे तो मैं तेरी फेस टू फेस नहीं मोबाइल से भी बात करा सकता हूं। और उसने मोबाइल उठाया और अपने चाचा जी के लड़के से बात कराया। जैसे ही उसने बोला एक कंपनी है, उसने मेरी कान में आवाज आई, भैया ज्वाइन मत कर लियो। मैं बोला क्या हो गया ऐसे? बोला ज्वाइन कर लिया, मैंने ज्वाइन किया था। चलो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं आया। जब ऐसी विस्फोटक आवाज मैंने सुनी तो मेरा हाल क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? मैं बोला फोन रख दिया, बिल्कुल ज्वाइन नहीं करूंगा। अब जिस बंदे ने फॉर्म भरा था उसको बोला था वो बाहर में होता, मेरे को ज्वाइन करनी है, अब वो मेरे को शाम को फोन कर रहा है कि शाम को मैंने पैसा देने का वादा कर दिया था। अब उसके बाद उसका फोन आया, फोन जैसे ही उसका आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सुई लगा रहा है, और फोन उठाने की मैं बड़ा अपने आप को बब्बर से समझता, लेकिन फोन उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं बोलूं अगर इसका फोन उठा लिया मैंने, पता नहीं क्या जाएगा। फोन मैंने एक दिन नहीं उठाया, करता रहा, दो दिन नहीं उठा, तीसरे दिन अपने दोस्त से पूछा, यार एक तो तरीका तूने बता दिया जो उस हिसाब से सही था तब। फिर मैंने बोला ये फोन बहुत करता है यार, क्या करूं? बोला तू ऑफ कर लेना, क्या कर लेना। और वो सही कर रहा था कि प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप तब तक करना चाहिए, तब तक करना चाहिए, तब तक करना चाहिए, तब तक करना चाहिए, या तो वो डीडी दे दे या तो हिंदुस्तान पासपोर्ट बना के हिंदुस्तान को छोड़ के भाग जाए। वो इंसान मेरा फॉलोअप, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे, कई दिनों तक चला, एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन, लेकिन उस इंसान को सब कुछ पता था। उसने एक दिन मेरे को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद दोस्तों वो मेरे को बोला बोला देख भाई, जो रियल मेरा एक दोस्त था वो मेरे को लेके गया, बोला विकास चल, क्योंकि वो रियल जो दोस्त था जिसने प्लान दिखाया था उसने उसको ज्वाइन करा लिया। ज्वाइन कराने के बाद दोस्तों मैंने थोड़े से प्रोसेस में और ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया। फिर हाल की थोड़ा बहुत मैंने ऐसा लगा कि यार बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन जब मेरी दोस्त ने मेरी बात, जो रियल फ्रेंड था मेरा, उसने जब मैंने बोला, मैं बोला यार अगर तूने ये बात बोली है तो मैं ज्वाइन करता हूं। और दोस्तों एक दिन ऐसा आया जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, और आज दोस्तों बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो दिन था जिस दिन मैंने अपने हाथ से डीडी ले जाके दी थी। आज बोलियां बजाइए हमारे महागुरु मिस्टर जसवीर जी। बिजनेस को समझा, समझने के बाद मैंने करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला बोला विकास जी ऐसे ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर आप आज डीडी दे देते हो, आज अगर लोगों को ज्वाइन करा देते हो, इस हफ्ते में 4,500 का चेक आया। मैं वहां से निकला और निकलने के बाद अपने फेस वैल्यू पे गया, और जाके मैं उसी दिन शाम को 3 दिन के अंदर अंदर लगभग मैंने 5 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया था उसी हफ्ते। कॉन्ग्रेचुलेशन, बुधवार को उन्होंने कॉल किया। मैं बोला महागुरु जी बताइए आज तक सारा मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला, लेकिन आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो। उन्होंने बोला विकास जी दिस वीक योर चेक 4,500 यानी कि 4,500 रुपए आपका चेक है। बहुत खुश मिली।
बहुत खुशी मिली, थैंक यू, बहुत खुशी मिली जब उन्होंने बोला अच्छा लगा कि मैं कुछ किया नहीं, मैंने फेसबुक पे तीन लोगों को बता बताया और मेरा 4,500 का टैग आया, लेकिन उन्होंने इसमें एक चीज ऐड कर दिया विकास जी, आज तक आपका आर्मी में प्रमोशन हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्त टाइगर, और उन्होंने ऐसे शब्द से मुझे नवाजा, बोला टाइगर, तो मुझे लगा यार इसलिए इंसान मुझे टाइगर बोल रहा है,